हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बिट कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पैराडाइज कंप्यूटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी गेम को हाइड कैसे करते हैं। दोस्तों अचानक कभी आप खेलते रहते हैं पबजी और कोई देख लेता है कि भाई पबजी ये खेल रहा है, आप चाहते हैं कि पबजी आपके फोन में हो और कोई चेक कर दे आपके फोन में पबजी मिले ही नहीं, तो एक कैसा ट्रिक होगा दोस्तों। आखिर अब चाहे पबजी गेम हो या पबजी से रिलेटेड कोई भी गेम क्यों ना, पबजी लाइट हो, फ्री फायर हो या पबजी पबजी मोबाइल ही गेम हो या किसी भी ऐप को अगर हाइड कर लेना है तो इस ट्रिक को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप पबजी गेम को हाइड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर कर देना है और कमेंट में लिखना है नाइस हिडन ट्रिक आप सेंड कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये बहुत छोटी एप्लीकेशन है, ये 2 से 3 MB की एप्लीकेशन है। इसके डाउनलोड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो इस ऐप का नाम है अपेक्स लॉन्चर, जिसकी ये इसका आइकन मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये स्क्रीन पे ये आइकन नजर आ रहा है, ये आइकन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा ये आइकन है ऐप का। इसको डाउनलोड आपको कर लेना है मेरे डिस्क्रिप्शन से। अब मैं हाइड करूंगा किसी को, जैसे मेरे फोन में यहाँ पर मोबाइल लाइट है या व्हाट्सएप है, मैं इस दोनों को हाइड करूंगा। किसी भी ऐप को यहाँ से हाइड कर सकते हैं, खासकर मैं पबजी को हाइड करेंगे और व्हाट्सएप को हाइड करना बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, इसको इंस्टॉल करने का इस ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद क्या करना है, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, यहाँ पे जो है आपका ऐप ओपन हो रहा है। यहाँ पे जो भी अलाउ परमिशन मांगेगा तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नजर आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे स्किप का ऑप्शन है, स्किप पे आ जाना है। स्किप कर देने के बाद यहाँ पे एक फिर ऑप्शन आया है, यहाँ पे यू आर ऑल सेट है। अगर जितना बार स्किप आता है आपको स्किप करते चले जाना हर में। इसके बाद यहाँ से हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन पे आने के बाद देख रहे हैं कि हमारा ये मोबाइल का होम स्क्रीन नजर आ रहा है। चलिए ये तो हमारा मोबाइल का होम स्क्रीन आना है। अब क्या करना है, कैसे हाइड करना वो हम समझते हैं। चलिए फिर से आते हैं इस ऐप में। इस ऐप को ओपन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा जो ऐप है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ जो हमारा फ्री ट्रायल मांगेगा तो इसको आप कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा ऐप यहाँ से ओपन हो चुका है। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पे स्क्रॉल करके, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अपेक्स मेनू का, सिंपली इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दिख रहा है हिडन एप्स का, सिंपली आपको इसमें आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हिडन ऐप यहाँ कर हाइड एप्स फ्रॉम ऐप ड्रॉअर, यानी ऐप ड्रॉअर से जो आपको क्या करना है ऐप को हाइड कर देना है। इसके लिए क्या करना है, ऐड हिडन ऐप पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ से आपके जिस भी ऐप को हाइड करना चाहते हैं, मैंने कहा था मैं पबजी को हाइड करूंगा और व्हाट्सएप को हाइड करूंगा, तो चलिए मैं यहाँ से हम पबजी को ओपन कर लेते हैं। जहाँ भी हमारा पबजी है, यहाँ हमारा पबजी लाइट है, इसको ओपन सेलेक्ट कर लिया। इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है जिसको हाइड करना है, और यहाँ से हम व्हाट्सएप को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से मैं दोनों व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से दिया हाइड ऐप पेज पे आपको आ जाना है। अब यहाँ बात ही सेटिंग का, सेटिंग का काम क्या है, जैसे इसमें आप हाइड कर देते हैं तो यहाँ जो है आपका ऐप जो हाइड हो जाएगा। मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ, जैसे इसमें सर्च करते हैं, यहाँ मैं आपको स्क्रॉल कर दिखा रहा हूँ तो इसमें आपको पबजी नहीं मिलेगा। मैं इसमें टाइप करके भी दिखा देता हूँ सर्च करके कि पबजी है या नहीं, इसमें हाइड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऐप को लिख कर सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ पबजी, तो देख रहे हैं यहाँ पे पबजी आपको शो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं उस सेटिंग वाले ऐप की, यहाँ जो ऑप्शन में आते हैं, यहाँ जो हिडन ऐप्स में आए हैं, यहाँ जो इस सेटिंग का काम क्या है कि अगर चाहे कोई, अगर आपका कोई मतलब कोई फ्रेंड अगर यूज करता है और इस ऐप को ओपन कर देता है तो यहाँ से इसको ओपन करके यूज कर सकता है। जैसे आपको यूज करना है इसमें आप इस पर यूज सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं, इस तरह से ओपन करके आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपके आप चाहते हैं कि ये पबजी गेम या कोई भी ऐप आपने इसमें हाइड किया है तो वो खोल ना सके, ये तो अनलॉक है। अब यहाँ से इस सेटिंग में आते हैं। इस सेटिंग का काम है कि यहाँ पे दिया इनेबल पासवर्ड, इसमें ये पासवर्ड को आपको इनेबल कर देना है, या अंदर कोई भी पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से इस तरह से पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से पासवर्ड को क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने का क्या करना है, इसमें आपने ईमेल डायल कर सकते हैं या नहीं कन्फर्म रिकवरी के लिए, नहीं तो यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए। यहाँ से अब ये सक्सेस हो गया है। अब किसी के पास ये फोन दे दीजिएगा तो वो अगर इसको खोलने जाएगा, इस ऐप को मतलब इस ऐप से खोलने जाएगा अपेक्स लॉन्चर से, तो वहाँ पे जो है उसको पासवर्ड मांगेगा, बिना पासवर्ड के वो खोल नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने किसी भी ऐप को, चाहे पबजी लाइट हो या पबजी मोबाइल हो या फ्री फायर हो या और भी कोई भी ऐप है जिसको आप हाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।